मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑनलाइन सबमिट को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फाइनली यहाँ पर बात बताने वाला हूँ। एसएससी में यहाँ पर भर्ती शुरू कर दिए है, 10वीं पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एसएससी दोस्तों यहाँ पर एमटीएस में यहाँ पर बहाली यहाँ पर निकल कर आ रही है अभी अभी, और इसका पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं, और नया वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से चले जाइएगा उस वेबसाइट पर। जैसा कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाते हैं onlinesubmit.com। सबमिट में यहाँ पर ध्यान रहे कि डबल टी है। जैसे कि यहाँ पर गूगल पर आप टाइप कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर कोई भी अगर आप यहाँ पर गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर गूगल को एक बार ओपन कर लेता हूँ, आप भी अगर गूगल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ पूरी अच्छे ढंग से। जैसे कि अगर क्रोम ब्राउजर अगर ओपन कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस पर टाइप करना है ऑनलाइन, यहाँ पर देख सकते हैं मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ वैसे टाइप करना है ऑनलाइन सबमिट। सबमिट में यहाँ पर डबल टिक कर देनी है, ये आपको ध्यान देना है, और यहाँ पर इंटर कर देनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं नहीं आ रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन सबमिट, इसको सिंपल से क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर दिखा रहा है ऑनलाइन सबमिट सरकारी जॉब्स लेटेस्ट फॉर्म, इसको क्लिक कर लीजिएगा। इस साइट पर डायरेक्टली चले जाइएगा। अगर आपको इस साइट पर जाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डायरेक्टली क्लिक करके भी इस साइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं, और इसको अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। मैंने कर लिया है इसलिए यहाँ पर कैंसिल कर दिया। दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे इस साइट पर हर एक तरह की आपको न्यू अपडेट मिलती है, जैसे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, हर एक तरह की आपको न्यू अपडेट तुरंत उसी समय, जैसे एडमिशन का हर एक चीज का यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है जिसके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में यहाँ पर दिखा रहा है एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2022 वेरी यूजफुल, इसको सिंपल सा क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर एड्स आ रहा है इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर एसएससी में जो भर्ती हो रही है, पोस्ट का नाम, पोस्ट का डेट, कब पोस्ट अपडेट किया गया है, 22 मार्च को किया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताया गया है। नीचे आ जाते हैं इस देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको ध्यान देना है कि कब शुरू हुआ है, तो 22 मार्च को ही शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर लास्ट डेट क्या है, 30/4/2022 को लास्ट डेट है। एग्जाम सीबीटी एग्जाम कब होगा, पेपर टू एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल कब होगा, यहाँ पर पूरा प्रोसेस इम्पोर्टेंट डेट्स में बताया गया है। यहाँ पर अप्लीकेंट अप्लीकेशन फी, अप्लीकेशन में जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए पेमेंट करने के, जबकि फीमेल और एससी एसटी पीएच विकलांग के लिए कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं है, नील है यानी कि 0 रुपया है। एज लिमिट भी कर दिया है 18 ईयर से मिनिमम, यानी कि कम से कम 18 होना चाहिए, उससे प्लस होना चाहिए। मैक्सिमम एज 25 से 27 ईयर्स, और दोस्तों एज रिलेक्शन यानी कि अगर एज में छूट चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। नीचे देते हैं यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी एमटीएस वैकेंसी डिटेल्स, यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस मल्टी, यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल का यहाँ पर फॉर्म है। क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास, यानी कि 10th पास होना चाहिए, और इसमें क्वालिफिकेशन में जो चाहिए जो यहाँ पर क्या करेंगे अपने यहाँ पर पूरा डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। नीचे देता हूँ, नीचे आने के बाद आपको दिखा देता हूँ इसको अप्लाई कैसे करने गए, यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पर सब कोई भी इस साइट पर यहाँ पर दिया जाता है सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स। जैसे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को भरा जाता है। अगर पहले से ही एसएससी में आप ऑलरेडी कैंडिडेट हैं तो आप लोग अप्लाई यहां से करें, यहां पे क्लिक करके। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड भी कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एडवांस कर लेंगे, और यहाँ पर प्रोसेस टू ssnic.in देख सकते हैं कि ये हमारा पूरी तरीका से क्या हुआ, यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर खुलकर आ गया रजिस्ट्रेशन का। जैसे कि देखते हैं 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, पहला बेसिक डिटेल डालना होगा, दूसरा एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपका डालना होगा, तीसरे नंबर में डिक्लेरेशन कर देना होगा यानी कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको जो एक्टिव है वही डालना है, और उस पर ओटीपी को वेरिफिकेशन करना है। जैसे यहाँ पर डू यू हैव आधार, तो यहाँ पर यस कर लेनी है और ये आधार नंबर फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर नाम डालना है, फिर से यहाँ पर नाम डालना है, हर एक चीज दो दो बार यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है तो दोबारा पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे तो माताजी का नाम यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर लेनी है, मेट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पर डालना है, कौन से बोर्ड से है वो डालना है, तो सारा चीज यहाँ पर रोल नंबर वगैरह सारा चीज यहाँ पर क्लियर आपको अप्लाई कर लेनी है। ये आपको ध्यान है कि दोस्तों मोबाइल नंबर आपको एक्टिव जो मोबाइल रिचार्ज हो जो आप ओटीपी देने के लिए सक्षम है वही डालिए क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। ईमेल आईडी भी एक्टिव डालिए जो आपका लॉगिन हो जाता हो, आपको पासवर्ड याद हो।
तो पूरी तरीके से क्या करके सेव करके अपने यहाँ तीन स्टेप में भर कर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड जनरेट कर दिया जाता है। जनरेट करने के बाद फिर से इस वेबसाइट पर आ जानी है और इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी शायद इस पर डायरेक्टली आप आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाकर यूजर नेम बनेगा और एक पासवर्ड बनेगा, उस पर क्लिक करके और जो यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा कोड को फिलअप करके सारा डिटेल्स आपको अच्छे ढंग से फिलअप कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस है, नोटिस फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड बिहेवियर सिविल एग्जामिनेशन 2021। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, अगर फुल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पर जाके आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी तरीके से आवेदन, यहाँ पर पूरी तरीके से नोटिस आप लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक तरह का जो नोटिफिकेशन है हमेशा यहाँ पर लाते रहता हूँ। और दोस्तों हर एक तरह का देख सकते हैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या चाहिए क्या नहीं, सारा चीज स्टेप बाई स्टेप इसमें बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरी तरीके से फॉर्म ही अप्लाई कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।